जिस तिरंगे के लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हर हिंदुस्तानी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, उसी तिरंगे का अपमान उदयपुर के एक ठेकेदार ने इस तरह कर दिया जैसे वो महज एक कपड़ा या उसके घर का पोछा हो। इस बेवकूफ और मूर्ख ठेकेदार को कौन समझाए कि ये वही तिरंगा है जिसकी छत्र छाया में उसका परिवार पल रहा है। हमारे यहां तो बच्चों को जन्म से ही झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सिखाया जाता है, और ठेकेदार के इस कृत्य से जाहिर है कि या तो वो हिंदुस्तान का नहीं है या उसके जहन में हिंदुस्तान के लिए जहर भरा है। जी हां, स्मार्ट सिटी के ठेकेदार की इस हरकत को देखकर हम भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है जो आमतौर पर नहीं करना चाहिए। शनिवार को हिरणमगरी इलाके में सड़क मार्ग से बिजली के खंभे को हटाने का कार्य चल रहा था। इस दौरान एक कंपनी के कर्मचारी ने तिरंगे को ना सिर्फ चीरा और फाड़ा बल्कि एक रस्सी पर उसके टुकड़े टुकड़े करके बांध दिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक कर्मचारी ने तिरंगे के तीनों रंगों को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर सड़क मार्ग पर यातायात रोकने के लिए इस्तेमाल किया। जब इस तरह तिरंगे का अपमान होते हुए कुछ युवाओं ने देखा तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए काम कर रहे कर्मचारियों को पकड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में लोगों का आक्रोश बढ़ते देख कर्मचारियों ने भी माफी मांगी। आक्रोशित युवाओं ने तुरंत प्रभाव से अलग अलग टुकड़ों में बांटे गए तिरंगों को वहां से खोला और सम्मान पूर्वक एक स्थान पर रखा। हालांकि कर्मचारी द्वारा माफी मांगने पर युवाओं ने भविष्य में उसे दोबारा ऐसा कृत्य नहीं करने की नसीहत दी, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर तिरंगे को चीर फाड़ करने वाले ठेकेदार को यह समझ लेना चाहिए कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर।